हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? अपना ख्याल तो रखे हुए हैं ना आप लोग? बहुत अच्छी बात है अगर अपना ख्याल रखे हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। माफ़ करिएगा, थोड़ा क्लास के शेड्यूल्ड में थोड़ा सा लेट हूँ मैं, और लेट होने का कारण थोड़ा सा टेक्निकल सॉफ्टवेयर ग्लिच था। खैर, जो था वो था। अभी फ़िलहाल के लिए आगे आपके हाजिर हूँ, पढ़ाने के लिए आपको हाजिर हूँ, पढ़ा देता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जिससे आप लोगों को आपके पेपर में बहुत अच्छे से आपकी समझ बढ़ जाए। तो चलिए आप सभी को हम लोग जो है ना क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार प्यारे बच्चों, ठीक है, नमस्ते आप सभी को। एक का नाम है यहाँ पे बटेऊ ऑफ HSSC। भैया आपने नाम बड़ा सोच के रखा, बहुत प्यारा नाम रखा है, आई लाइक दैट, बटेऊ ऑफ HSSC। राधे राधे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। हेलो प्रगति, राधे राधे जी, ठीक है जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे बेटा, राम राम भी। हाँ चलो, पढ़ाता हूँ आपको मैं। अच्छा देखो, एक करंट अफेयर है, हरियाणा का करंट अफेयर है, ठीक है ना, मतलब MCQ पढ़ाने वाला हूँ, MCQ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन MCQ का ये है, राम सर के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि हरियाणा राज्य को पहली बार रामसर साइट का दर्जा मिला है। हरियाणा राज्य में दो ऐसी साइट हैं जो पहली बार जिनको रामसर साइट का टैग मिला है। तो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कशन कर देता हूं रामसर क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं किन किन को मिला है रिसेंट, और थोड़ा सा आपको यह भी बता देता हूं कि टोटल रामसर साइट्स हरियाणा में अब मतलब पूरे भारत में कितनी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी सबसे पहला हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है यहाँ पे आज से कि थोड़े टाइम पहले का करंट अफेयर था, शायद आपको मैंने पढ़ाया भी था डेली करंट अफेयर में, कि चार ऐसी साइटें हैं जिनमें भारत के अंदर रामसर साइट का दर्जा मिला है। चार ऐसी साइट में से पहली साइट कौन सी है? पहली साइट है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण। ये थोल झील वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पड़ता है डियर? ये पड़ता है गुजरात राज्य के अंदर। अच्छा जी, गुजरात के अंदर अब से पहले एक ही थी और अब टोटल तीन हो, मतलब टोटल चार हो चुकी है, तीन हो गई है, दो अब मिली है, एक पहले थी, तो टोटल तीन हो गई है, चार तो टोटल को मिला है। एक वादवाना वेटलैंड है गुजरात का, तो दो तो क्षेत्र हो गए गुजरात के, और दो बारी आती है हमारे हरियाणा राज्य की, यानी कि एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, और एक है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण जो कि झज्जर हरियाणा के अंदर है। तो ऐसे करके टोटल हरियाणा पूरे पूरे भारत के अंदर टोटल अब 46 रामसर साइट हो चुकी है, और जिनका एरिया अगर अब आपसे पूछा जाए तो 183,322 जो है ना वर्ग किलोमीटर सॉरी हेक्टेयर हो चुका है। तो आपको बहुत ही क्लियर चीजें हो चुकी है क्या कि टोटल अब जो है ना रिसेंटली चार क्षेत्रों को रामसर साइट का दर्जा मिला। चार में से दो गुजरात की है, दो हरियाणा की है, पहले होती थी 42, अब हो गई है 46, ठीक है ना। दो गुजरात वाली में से एक है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण, एक है वादवाना वेटलैंड गुजरात का, और अपने हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडावास, ये दोनों याद रखना है, सुल्तानपुर गुरुग्राम में है और भिंडावास कहाँ पे है? झज्जर में है। सटीक सवाल बने, सीधा सवाल बने तो हरियाणा के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट है, तो जवाब रहेगा दो ही रहेगा। कौन कौन सी है? तो सुल्तानपुर भिंडावास है, भिंडावास कहां पे है? झज्जर में है। सुल्तानपुर कहां पे है? गुरुग्राम में है। थोल झील कहां पे है? ये गुजरात का है। वादवाना कहां पे है? ये भी गुजरात का हो गया है आपका, ठीक है। ये दोनों बात तीनों बात याद कर लोगे, फिर ये याद करोगे टोटल भारत में कितनी हो गई है, 46 हो गई है, फिर याद करोगे इन टोटल का एरिया कितना हो गया, तो 183,322 हेक्टेयर हो चुका है, याद कर लेना आप लोग। समझ गए हैं आप लोग? ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ गए हैं आप लोग। और मैंने कहा था गुजरात के अंदर एक पहले से थी, वो पहले से कौन सी थी? नल सरोवर थी, जिसे साल 2012 में वेटलैंड जो है घोषित किया गया था, और अब एक प्लस में दो टोटल करके तीन होगी, और हरियाणा में तो पहली बार ही रामसर स्थल जो है ना वो घोषित किए गए हैं। इस पॉइंट को भी आपको यहां से याद करना था।
अब इन चारों के बारे में पहले बताता हूं क्या क्या इनकी खास बात है, फिर मैं बात करूंगा वेटलैंड के बारे में क्या है। देखो संक्षेप में बताऊंगा, ठीक है ना, यानी कि थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात की है। अच्छा, ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पे स्थित है और इसमें 320 से ज्यादा अधिक पक्षियों की प्रजाति शामिल है। मैं आपको पहले ही थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। वेटलैंड क्षेत्र उसी को ही कहते हैं जहां जो क्षेत्र जमीन और पानी उनके बीच का एरिया हो। सॉरी, वेटलैंड एक ऐसा इलाका, ऐसा एरिया होता है जो आपका जो लैंड यानी कि जमीन और ओशन यानी कि महासागर या समुद्र या वाटर, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसी को आप वेटलैंड कहा करते हो, यानी कि आर्द्र भूमि क्षेत्र। एक्चुअली आपको मैं बहुत ही ठीक ढंग से कहने का कोशिश करूं तो वो मिट्टी होती है वेटलैंड पे जो सैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सैचुरेटेड सॉइल समझ चुके होंगे, हिंदी मीडियम वालों को समझाने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा होगा कि ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो वो पानी तो सोख जाएगी, और पानी डालोगे पानी सोख जाएगी, लेकिन एक लिमिट आ जाएगी कि उसके बाद में वो पानी नहीं सोखेगी। देसी भाषा में बात करूं तो सेम वाली जमीन, जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं, मैंने फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट को कभी ऐसा सुना है, आदमपुर के आसपास सुना है मैंने कि सेम वाली डिस्ट्रिक्ट, सेम वाला क्षेत्र है वो। मैं अपने आजू बाजू का इलाका कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर जहां पे भी आप रहते हो वहां भी आपने कभी सुना हो सेम वाला इलाका। नॉर्मल आपको पानी भरा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर बारिश आ जाए तो आपको पानी भरा हुआ दिखना, वही क्षेत्र सेम वाला क्षेत्र कहलाता है। और वो क्षेत्र जहां पे इस ये क्षेत्र खास किस लिए होते हैं, यहां पे विदेशी पक्षी आ जाए, बहुत सारे विदेशी पक्षी आके रहे हर साल, वही क्षेत्र फिर उसको रामसर साइट का दर्जा देते हैं, क्योंकि एक ईरान शहर में सबसे पहले एक रामसर समझौता हुआ था, ठीक है, उसी वजह से इसको रामसर साइट के नाम से हम लोग पुकारने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ गए ही होंगे आप लोग, ठीक है ना, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है डियर, ठीक है, शुक्रिया संध्या जी, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल हमारा रहे, अब आपको समझाना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए क्या, कि थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात जो है ना, इसके ये कहाँ पे, ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पे स्थित है। अच्छा, 320 से ज्यादा प्रजातियां इसके अंदर शामिल है, 30 से अधिक संकटग्रस्त जल पक्षी प्रजातियों हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे 30 ऐसी जो आपके बर्ड्स हैं उनकी स्पेसिस है जो कि रेड लिस्ट में शामिल है। संकटग्रस्त का होने का मतलब है बिल्कुल ही डेड लिस्ट में शामिल है और वो खत्म होने की ही कगार पे है, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। उनमें से कई सारे हैं ये प्रजातियों में, आप इनको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इनको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वाधवाना गुजरात का है, यहाँ पे 80 से ज्यादा प्रजाति आती है। हमारे हरियाणा वाला को थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या, जैसे सुल्तानपुर है वाला, ये 353 एकड़ में फैला है। पहली तो बात ये है कि इसका एरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो जवाब आपका रहेगा 353, ठीक है ना। दूसरी बात है, यहाँ पे टोटल कितने जल पक्षी आते हैं, ठीक है ना, वाटर बर्ड्स आते हैं, तो लगभग 220 प्रजाति तकरीबन यहाँ पे पहुँचती है। तो ये पॉइंट आपको हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, ये जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के तहत, पहले तो था ये क्या, पहले ये था आपका यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण था, यानी कि एक प्रकार का जिसे आप अभ्यारण बोला करते हो, सेंचुरी बोला करते हो, उस कैटेगरी में शामिल था ये। लेकिन बाद में जो है ना, इसे 1972 के तहत पार्क की स्थिति को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया था 1991 के अंदर। पहले ये था इस अधिनियम में, फिर अधिनियम के जैसे बदल दिया गया था, तो मतलब अभी वर्तमान में नेशनल पार्क का याद रखना है आपको। भिंडावास वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1000 एकड़ में फैला हुआ है, ये आर्टिफिशियल है, ध्यान देना, मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है ये। यहाँ पे 250 से ज्यादा प्रजाति यहाँ पे भी लगभग आया करती है। तो भिंडावास झज्जर में है और ये मीठे पानी का एक इलाका है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, खारा पानी होता है वेटलैंड पे, लेकिन ये मीठा पानी का है और वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को हम लोग, वो पॉइंट भी याद रखना आप लोग। वेटलैंड समझौता 1971 के ईरान के शहर रामसर में हुआ था, 75 में लागू हुआ था, ये तो पॉइंट आपको मैंने अभी बता ही दिया। और 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इसका थीम था इस बार का वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि आर्द्र भूमि एंड जल, ठीक है। तो इसको पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशली लिया था, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट आता है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के तहत, इसके केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे।
अब मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी है, लेकिन मेरे को ये बताना बहुत जरूरी था, मुझे बहुत एक्सपेक्टेड लग रहा है ये क्वेश्चन कि हरियाणा को पहली बार रामसर साइट में का दर्जा मिला, दो क्षेत्र सुल्तानपुर भिंडावास, दोनों का इलाका एरिया जो जो चीज़ें काम की थी मैंने शेयर कर दी है, तुम्हें समझ में आ गई होगी तो आप लोग थंब प्रेस कर दीजिएगा। अब फटाफट भागिएगा आप लोग एमसीक्यू करने के पीछे, ठीक है ना। एमसीक्यू बहुत आसान है, हम पहले थोड़े कंप्यूटर के कर लेते हैं, थोड़े से हम लोग कर लेते हैं साइंस के कर लेते हैं। 10 बजे हैं सही फिलहाल के लिए, ठीक है ना, और ये क्लास सही आपकी 11 बजे तक चलेगी, यानी कि 1 घंटा लगातार पढ़ते रहिएगा आप लोग अब, ठीक है ना। चलो जी ठीक है ना, अब हम लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आंख में क्या गिर गया पता नहीं यार कई देर तक, चलो खैर पढ़ाता हूं क्या कि सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए। सर्वर क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े हैं इंग्लिश के जरूर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा हिंदी के अंदर भी, ठीक है ना। क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। सर्वर आर कंप्यूटर, सर्वर क्या होते हैं सर? देखो एक कंप्यूटर होता है बेटा मेन कंप्यूटर, इस मेन कंप्यूटर को आप लोग कहा करते हो सर्वर का नाम दिया करते हो, ये मेन कंप्यूटर सर्वर होता है, ठीक है। इस सर्वर से आपका एक कंप्यूटर जुड़ा, यहां से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा, यहां से तीसरा कंप्यूटर जुड़ा, यहां से चौथा कंप्यूटर जुड़ा, यहां से पांचवा कंप्यूटर जुड़ा, यहां से कुछ भी कंप्यूटर जोड़ दो, 100 कंप्यूटर जोड़ दिया आपने मान लेते हैं, तो आप सभी को आपस में कैसे जोड़ सकते हो, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग जोड़ने वाले हो वाया नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, नेटवर्क के माध्यम से इन्हें आप कनेक्ट करोगे। जैसे एग्जांपल से मैंने फिलहाल इस क्लास को जो है ना वो पढ़ाना है, ठीक है ना, इस क्लास को यहाँ पे पढ़ाना है और यहाँ पे फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास में एक सर्वर है, यहाँ पे ये सर्वर है जिससे मैं इस क्लास को लाइव कर रहा हूँ। आप मुझसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं आप मुझसे? आप मुझसे जुड़े हुए हैं वाया नेटवर्क, ठीक है ना, तो नेटवर्क के माध्यम से जुड़ सकते हैं ना हम लोग, और कैसे जुड़ेंगे? सर्वर कुछ नहीं है भैया, सर्वर वो है जहां से आप चीज को स्ट्रीम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसको भी आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। चलो एक मिनट है, मेरी आंख में कुछ गिरा हुआ है तो मैं एक बार पानी से धोआता हूँ आपको डियर, ठीक है ना, एक मिनट का प्लीज आप वेट कर लीजिएगा बच्चा। हाँ
सर आप आईपीएल देखते हैं क्या? अगर एक कमेंट और किया तो मैं तेरे को आईपीएल दिखाने जोगा ही छोड़ दूंगा बेटा, यहां से तो ब्लॉक हो जाएगा। 25 बार कमेंट कर दिया, बता इसका कोई लेना देना इस बात का यहाँ पे? कई दिनों से तेरे कमेंट में देख रहा हूँ तो बड़े टेढ़े मेढ़े कमेंट में लगा हुआ है। पेन कहाँ रख दिया मैंने अब मेरा। चलो जी पढ़ाते हैं हम लोग, कुछ ठीक फील हो रहा है लेकिन फिर भी लग रहा है आँख के अंदर कुछ है गिरा हुआ। खैर पढ़ा पा रहा हूँ तब तक पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि नेटवर्क तो आपको बता दिया था सर ने कि क्या नेटवर्क होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। चलो जी अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या, द प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। एक ऐसे प्रोग्राम का नाम बताइएगा जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रोग्राम का हम लोग जो है ना इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे प्रोग्राम का नाम बताओ जो वेबसाइट को देखना है। अच्छा पहले तो गुरुजी मुझे दो कंफ्यूजन है कि वेबसाइट क्या होती है, ध्यान से समझना। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट वो होती है जो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, उसे आप वेबसाइट कहा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा वेबसाइट वेब पेजेस का, ध्यान से समझना एक एक बात को। वेब पेज क्या होता है पहले गुरुजी ये बताओ, ठीक है ना। वेब पेज वो पेज होता है जो इंटरनेट पे चलता है, ठीक है ना। जो इंटरनेट पे चलता है उसे आप लोग वेब पेज कहते हैं। इंटरनेट पे चलने वाले पेज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट पे चलने वाले पेज को वेब पेज कहते हैं। और अगर मैं कह देता हूं कि ग्रुप ऑफ वेब पेज, ग्रुप ऑफ वेब पेज, वेब पेज जो है ना, वेब पेजों का जो समूह है, मतलब 10 15 20 50 अगर पेज इकट्ठे कर दूंगा मैं तो क्या बन जाएंगे, 10 15 20 50 पेज इकट्ठे कर दिए तो ग्रुप ऑफ वेब पेज बन जाएगा। उन इकट्ठे वेब पेजों को ही आप लोग क्या कहते हो? वेबसाइट कहते हो। और वेबसाइट जो होती है उसे चलाने के लिए आप लोग ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो। और वेबसाइट चलती किस माध्यम से है? तो वेबसाइट चलती है WWW के माध्यम से, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन अभी आया था ना आपके कांस्टेबल के पेपर में, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आपका ये एक जो सर्विस दे रहा है आपको, यहां से जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यही तरीके से आप लोग पूरी दुनिया में इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट आप लोग समझ ही जाओगे। अच्छा एक बात और याद रखना कि वर्ल्ड वाइड वेब को खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इस व्यक्ति का नाम था टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स ली इन व्यक्ति का नाम था। 1989 के अंदर जो है ना इन्होंने खोजा था, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो ब्राउजर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कोई तुमसे पूछ ले ब्राउजर क्या होता है, देन आप जवाब देने वाले हो ब्राउजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर में क्या है? इस सॉफ्टवेयर में आप लोग जो है जनरली क्या है, किसी वेबसाइट्स को देखा करते हैं, इंटरनेट चलाते हो। कोई एक आध एग्जांपल दे दो जी ब्राउजर का। बिल्कुल एग्जांपल दे सकता हूं। ब्राउजर का एग्जांपल है गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, एज ब्राउजर है, सफारी है, ये सारे ही तो ब्राउजर के तो एग्जांपल है। चलो एक और नया और करंट अफेयर का क्वेश्चन याद करवाता हूं आपको मैं। विंडोज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। विंडोज के बारे में सुना है आपने सर जी? बिल्कुल सुना है। अच्छा विंडो 10 के बारे में सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना है गुरुजी। तो विंडो 10 कब आई है? विंडो 10 आई है डियर आपकी लगभग, मतलब विंडो 10 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें बताता हूं, मई 2019 का एक लेटेस्ट अपडेट था। और इस मई 2019 के लेटेस्ट अपडेट में क्या हुआ कि इसके अंदर पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक वेब ब्राउजर आता था, इसको हटा के और रिप्लेस करके अब कर दिया है क्या? अब कर दिया है एज नाम का ब्राउजर इसकी जगह पे आ चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि अब कौन सा वेब ब्राउजर आता है? अब आता है एज नाम का ब्राउजर आता है, ऑफिशियली विंडो के साथ में इनबिल्ट आता है। अच्छा अब तो विंडो 11 भी आई है, हालांकि विंडो 11 का जो है ना वो डेवलपर वर्जन आया है अभी, मतलब यूजर वर्जन नहीं आया, हम तक नहीं पहुंचा है अभी वो। तो ये याद करना विंडो 11 भी, पर उसमें भी ब्राउजर कौन सा है? एज के नाम से ही है। इसको भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना।
चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला सवाल आप पढ़िए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा है। आज ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे इंटरनेट से रिलेट मैंने किए हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पर काफी ज्यादा जोर है जैसा सीखा, तो आपको काफी हद तक चीजें सीखने को मिलेगी इस सेशन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है वो पूछा है तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट क्या ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा और सैटेलाइट के माध्यम से आप लोग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हो, यहां आप लोग इजिली नेट चला सकते हो, ये एक टाइप है आपका। बिल्कुल DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्या ये ब्रॉडबैंड का टाइप है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, ये क्यों नहीं है? कैसे सर जी? जैसे एग्जांपल से आपका जो है ना, यहां पे एक BSNL एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज से आपकी एक कॉमन वायर, कॉमन तार आई है और इससे जो है ना आपके कई हिस्से बंट गए हैं, इससे कई सारे हिस्से जो है ना वो डिवाइड हो गए हैं। और जैसे मान लेते हैं ये मेरे घर में आया, यहां से मैंने टेलीफोन भी चला लिया और यहां से मैंने मॉडेम रख के इंटरनेट भी चला लिया, मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है? तो ये DSL ही होता है आपका, जो आज मतलब जनरली आप BSNL से या आजकल ऑप्टिकल फाइबर से नेट चला रहे हो, वो DSL ही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको कहते हो आप। केबल से, बिल्कुल केबल से भी आप ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हो, डायलअप नहीं है। डायलअप क्यों नहीं है सर? अगर आपको याद होगा तो आप अपने फोन के साथ में, अपने फोन से आप क्या करते थे, अपने फोन से आप लोग एक केबल अटैच करते हो, ठीक है ना, फोन से केबल अटैच किया और फिर आपने नेट चलाया, दैट इज डायलअप। तो डायलअप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल हमारा ठीक रहने वाला है, ठीक है बेटा। चलो जी अगला क्वेश्चन है, टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर वोज, आजकल के कंप्यूटरों के बारे में बात की है, तो हमसे पूछा है कि आजकल के कंप्यूटर कौन सी प्रकार की इसके अंदर चिप्स का प्रयोग किया करते हैं वो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, इसके बारे में बताते हैं हम लोग क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, वाल्व के बारे में बात करते हैं, तो वाल्व क्या है भैया, ये तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था ये। अच्छा अगर ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाल्व यूज होती थी और फ्लेमिंग, जे फ्लेमिंग जो थे ना, उन्होंने इस वाल्व का आविष्कार किया था। और बात आपको ये याद रखनी है कि लगभग 1904 के अंदर जो है ना इसका आविष्कार हो गया था जे फ्लेमिंग ने, पहली पीढ़ी के अंदर जो है ना वैक्यूम ट्यूब जिनको कहते हो आप लोग, वाल्व कह दो वैक्यूम ट्यूब कह दो, ये दोनों पहली जनरेशन की थी। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हालांकि LSI जो है ना वो आपकी तीसरी पीढ़ी की है। आजकल हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं वो कौन सी, फोर्थ जनरेशन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। अगर तुमसे कोई पूछे कि विच जनरेशन इज मोस्ट यूज एट अ टाइम, अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा कौन सी पीढ़ी का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका आंसर रहता है फोर्थ जनरेशन। गुरु जी पांचवी में नहीं है क्या? पांचवी में जिस दिन होंगे उस दिन कंप्यूटर अपने आप ही काम करेगा, अब तक तो कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर रहा ना। पांचवी में जिस दिन होंगे गाड़ियां अपने आप ही चलेगी, आप पीछे बैठोगे बस अपने आप, ड्राइवरलेस कार हो जाएगी। अभी तक है, हालांकि ब्रिटेन जैसे देशों में कंसेप्ट हो चुका है, लेकिन फ्रिक्वेंटली तो नहीं देखने को मिलती ना, ड्राइवर से चल जाए वो भी बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है ना। जब तक आप किसी के बाजार में भीड़ में जाके कान पे जाके पहा पहा ना करोगे तब तक तो स्वाद नहीं आता ना। तो अभी चौथा पीढ़ी चल रहा है, पांचवा पीढ़ी में अभी आप नहीं आए हो, ठीक है। हाँ, LSI के जैसे जैसे कुछ और भी है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, काम आएंगे पेपर में। तीसरी पीढ़ी में सबसे पहले बेटा आई थी क्या आपके पास में IC, IC बनी होती है सिलिकॉन की, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC जो है इसका खोज किया था किसने, 1959 में किया था, जैक किल्बी ने किया था, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद रखना, जैक किल्बी ने खोज किया था IC का। अच्छा IC का खोज किया था, IC कई टाइप के, जैसे यहां पे क्या है, एक तो आपकी नॉर्मल IC होगी, एक आपकी है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, यहां पे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एक होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों तीसरी पीढ़ी में यूज हुई थी। उसके बाद में क्या आता है आपका, उसके बाद में आता है आपका कि एक आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता है और एक आपका आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों किस में आती है आपकी, ये दोनों के दोनों आती है आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर आती है। और अब चल रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एक चल रहा है GAINT जाइंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये दोनों चल रहे हैं कौन से, ये चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर। इतनी बातों को आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, इसको समझ लेना हम लोग। सर डायलअप डेटा केबल होती है वो फोन के चार्जर के साथ,
मिलती है। हाँ डायलअप मतलब डेटा केबल के माध्यम से डायलअप फोन से कनेक्ट करते हो एक्चुअली आप लोग, ठीक है। चलो जी अगला सवाल की ओर हम लोग जाते हैं, तो क्या रहेगा, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, आई थिंक बहुत इजी है, राइटिंग अ लेटर। जब आप कोई पत्र लिखते हो या ईमेल लिखो तो दोनों एक ही है, कोई खास इसमें अलग नहीं लगता नहीं है हमें। अरप्पा नेट स्टैंड्स फॉर, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। अरप्पा नेट ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था, इसको आप लोग कहा करते हो क्या, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से आप लोग इसे पुकारा करते हो, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से इसे आप लोग पुकारा करते हो, इसे याद रखना आप लोग। ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क था आपका, पहली बात हुई। दूसरी बात, अरप्पा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा तुमसे, इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कौन से ईयर में आया था सर, ये 1969 में आया था, जब इसरो की स्थापना हुई थी इसी साल में अरप्पा नेट आया था। अरप्पा नेट को जो है ना बनाने वाला कौन था, तो इसको बनाया था एक्चुअली यूएस आर्मी ने बनाया था, ठीक है ना, याद रखना, डिफेंस सिस्टम कहिए या यूएस आर्मी के द्वारा इसे जो है ना वो डिजाइन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है कि इंटरनेट इज, वैसे आपको इंटरनेट कहो तो बहुत सारी टर्म्स मिल जाएगी, कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो फादर ऑफ इंटरनेट के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा VINIT, विनीत CERF, ठीक है ना, नियर अबाउट जो है ना इन्हीं का यही नाम आप पढ़ते हो, विनीत सर्फ जो है ना यही फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं, इंटरनेट के बाप कहिएगा। इंटरनेट के फुल फॉर्म कही है, जैसे इंटरनेट का एक फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, क्या होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। या इसका एक क्वेश्चन ये भी आया था कि दुनिया भर में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, एरिया वाइज दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट ही होता है। इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना पड़े कि इंटरनेट क्या है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद वन अदर, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। अगर ये ऑप्शन ठीक है तो बाकी तो वैसे गलत हो गए, जैसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भाई सब में मिला गया तो एक ऑप्शन ही ठीक है। क्या मतलब है गुरुजी, हिंदी में थोड़ा बता देते तो, चलो बता देते हैं, ठीक है, अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में लिखे हुए हैं लेकिन बात एक एक हिंदी में समझा रहा हूं, एक एक टर्म हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने वाले के लिए क्लास एक एक बिंदु समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, कुछ ना समझ में आए फिर, ठीक है ना। हाँ कोई ऐसा है ही बेवकूफ की लगा पड़ा रहे कि हिंदी चाहिए हिंदी चाहिए, तो भैया उसे हिंदी भी मिल जाएगी तो भी नहीं समझ में आया, और तो मुझे ऐसा कमेंट रिपीट ना दिख जाए किसी का, वरना तो ठीक नहीं रहेगा। तो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब क्या, दुनिया भर में एक दूसरे से आपस में जो कनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर, आपस में एक दूसरे के कंप्यूटर, जैसे मान लेते हैं मेरा है आपका कंप्यूटर है किसी और का कंप्यूटर है, सब का पूरी दुनिया में, आप कनाडा बैठे हैं मैं इंडिया में बैठा हूं, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई जापान बैठा है, कोई सिंगापुर बैठा है, सबका आपस में दुनिया भर में एक दूसरे का कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट है। यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि यूं फर्जी में कनेक्टेड है सारे के सारे, ठीक है ना, एक कोई ना कोई प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल कौन सा है, जनरली यहां पर आप लोग HTTP इस्तेमाल करते हो, यहां आप लोग TCP इंटरनेट है तो TCP इस्तेमाल करेगा, TCP/IP इस्तेमाल करेगा वो, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी वेबसाइट के लिए होता है, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए आपको TCP/IP चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो जी ये तो समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, बहुत अच्छे से अच्छी बात है समझ में आ गई है, तो इसी को ही तो आप इंटरनेट कहते हैं। तो अब एक लाइन में इसे मैं बताना चाहूं, इसने कहा क्या है, एक ऐसा इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दुनिया भर में दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़े रखता है और आपस में बातचीत कर लेता है, जुड़ा रहता है किससे, एक कॉमन प्रोटोकॉल से, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है उसी का नाम आपको बता रहा हूं मैं, TCP/IP होता है, इसको भी बात आप लोग यहां से याद कर लेना है जी। समझ गए हैं आप लोग, अच्छी बात है समझ गए, तो अगला क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, तब तक द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लॉगिन कहलाती है, आसान है कोई दिक्कत नहीं है।
स्मार्ट कार्ड क्या होता है गुरुजी? स्मार्ट कार्ड भैया, स्मार्ट कार्ड वो होगा जिसमें दिमाग होगा। स्मार्ट तो वही होगा ना जिसमें दिमाग हुआ, स्मार्ट पर्सन कहते हैं, ये स्मार्ट बॉय है, स्मार्ट गर्ल है, या स्मार्ट टीचर है, स्मार्ट स्मार्ट कुत्ता है, कुत्ता भी स्मार्ट ही होता है, स्मार्ट कैट है, किसी भी चीज को आप स्मार्ट, स्मार्टफोन भैया कहते हो आप लोग। स्मार्टफोन का मतलब ये है आपका, स्मार्ट कार्ड का मतलब क्या, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका सही ऑप्शन रहेगा माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा वो सही आंसर रहेगा हमारा। इसको भी आप लोग यहां से याद कर लेने हैं डियर, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो गया आपका, चलो अच्छी बात है। अच्छा गुरुजी, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें अगर लग जाए, माइक्रो प्रोसेसर अगर जिसमें लग जाए तो उसको क्या कहोगे आप लोग? माइक्रो प्रोसेसर अगर जिसमें लग जाए तो उसको आप लोग कहने वाले हो माइक्रो कंप्यूटर के नाम से आप लोग पुकारने वाले हो, उसको आप लोग माइक्रो कंप्यूटर का दर्जा देने वाले हो डियर। समझ गए हैं आप लोग? अच्छी बात है, समझ गए हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड, पहला तो आपको पूरा लाइन समझना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना। रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर के बग, बग क्या होता है गुरुजी? किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में अगर एरर आ जाए, सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए, उसे बग कहा करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन ही विथ अवेलेबल एट इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर ही आपके प्रोग्राम पे जो भी कोई एरर वगैरह आया उसको ठीक कर देना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को बेटा पैच कहते हो, क्या कहते हो उसको? पैच कहते हो, याद रखिएगा। इंटरनेट के ऊपर ही कोई भी आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको आप अगर ठीक कर देते हो तो उसको आप लोग याद कर लेना, पैच कहने वाले हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, सर साइन इन और लॉग इन का फर्क क्या है? तो साइन इन और लॉग इन में थोड़ा सा फर्क है। लॉग इन और साइन इन में क्या फर्क है डियर? तो देखो गो, अगर आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट, पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है और उसमें आपसे सवाल पूछा है इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपका लॉग इन ही कहलाएगा। साइन इन क्या होता है? आपको इंटरनेट पे अकाउंट बनाना है। इन्होंने पूछा इंटरनेट अकाउंट, मतलब आपका पहले से अकाउंट होगा ना। अकाउंट अगर है तो आप लॉग इन करने वाले हो। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करने वाले हो देन आप लोग जो है ना साइन इन पे जाने वाले हो। एक्चुअली ये फर्क है। आईपीसी सीआरपीसी क्लास भी बिल्कुल आपको मैं सटीक तरीके से करवाऊंगा, या मैं करवाऊंगा या मेरी कोई टीम के मेंबर है, पॉलिटी के टीचर है, मैं उनसे करवा दूंगा, मिल जाएगी आपको क्लास, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक चीज सोची है, मुझे इस चीज का आप लोग वैलिडेशन देना या इशारा करना कि ये चीज ठीक है कि नहीं है। करंट अफेयर के एक रिविजन क्लास ली जाए क्या आपकी कल परसों के अंदर, ठीक है ना, कि हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है ना, हरियाणा करंट अफेयर के पिछले महीनों के करंट अफेयर जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक रिविजन क्लास ली जाए ना, एक मैराथन सी क्लास ली जाए। बोलो क्या कहते हो? ठीक कह रहा हूं ना मैं? ऐसा किया जाए, और टाइमिंग क्या हो थोड़ा सा इशारा कर देना मुझे कि हाँ सर ये टाइमिंग हो, चाहे आप बता देना चाहे ऑफलाइन कमेंट में बता देना ताकि मैं उसको जल्दी समझ लूं, ठीक है ना। और चाहे मुझे आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी थोड़ा इशारा कर देना कि सर एक्चुअली ये टाइमिंग होगी, ठीक है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। कॉमन थोड़ा बता देना ताकि मैं उसे समझ जाऊं, ठीक है। एनीवे, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी? तो इंटरनेट ओरिजिनली जो है ना किस प्रोजेक्ट का एक एजेंसी है वो बताइएगा। तो अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, प्रोजेक्ट एजेंसी आपसे पूछा है तो भैया अरप्पा ही है, कितनी तो बार बताया है आपको सर ने, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको बताया है, अरप्पा, अरप्पा का फुल फॉर्म क्या है? अरप्पा का फुल फॉर्म है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। ठीक है सर, 23 को ले लो। हाँ जी सर, ले लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगी एक बार, ठीक है सर। रात को ही करवा देना, 8 PM से स्टार्ट कर देना, नाइट में 10 बजे से ऊपर का सर मॉर्निंग तक होनी चाहिए। मैराथन, ठीक है मैराथन ले लूँगा, रात को ही होगी। साइंस पर भी ज़्यादा जोर लगवा दो। हाँ जी ठीक है, ओके डन। आज तारीख हुआ है 20, कल है 21, और तारीख डिसाइड करें अभी। आज 21 तारीख हुई है, 21 को मंडे पड़ता है, 22 को हो गया हमारा ट्यूसडे, 23 को हो गया हमारा वेनसडे। क्या कहते हो 23 को? आर यू रेडी फॉर 23? मैं 23 को सोच रहा हूं, बोलो तुम क्या कहते हो? अगर तैयार हो तो 23 तारीख की रात को लगा देते हैं जागरण, एक रात को ही लगाएंगे, ठीक है ना। 23 तारीख की रात्रि जागरण रख देते हैं, एक बढ़िया वाला लंबा वाला।
अभी बता दिया। हाँ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन होगा, इसमें हरियाणा और प्लस नेशनल भी कोशिश करूंगा रख दूं। 22 सितंबर को वेनेसडे का नहीं, अच्छा आज 20 को मंडे, अच्छा माफ करना, हाँ 20 को मंडे, 21 को ट्यूसडे है, 22 को वेनेसडे, 23 को तो थर्सडे पड़ता है ना, 23 को थर्सडे पड़ता है, हाँ 23 को थर्सडे है। चलो कोई चक्कर नहीं, वार का तो ख्याल लेने देना अपने को, टोट के थोड़ी ना करने हैं, ऐसा तो है नहीं कि टोने टोट के करने हैं, जादू मंत्र करा करा छुत पर ये वो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चलो बच्चा, तेईस तारीख को, हाँ मिक्स करवा दूंगा, कोशिश करूंगा मिक्स की, 23 तारीख को अभी मैं सेट कर रहा हूँ टाइम, ठीक है ना। वैसे आज मैं इतनी बात करता नहीं हूँ, लाइव क्लास में पर आज कर रहा हूँ, माफ करिएगा। 23 तारीख को करवा दे तू, करवा देने वाला क्या हूँ उसमें मैं, एक तो मेन मेरा ओरिएंटेशन रहेगा हरियाणा करंट अफेयर रिवीजन करवाने का, ठीक है ना, पहली बात। प्लस में मैं क्या करूंगा इसके अंदर, ठीक है ना, प्लस में इसके अंदर हम, मैं एक मेरा बहुत ही फेवरेट सा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और तीसरा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा साइंस, ठीक है ना। तो ये तीन सब्जेक्ट लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, हरियाणा करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। कुछ नेशनल करंट अफेयर इतने आ नहीं रहे हैं पेपर में अब तक देखा जाए तो, मेरे ख्याल से जितना उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, पर फिर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है ना। ये तीन सब्जेक्ट रखूंगा मैं, ठीक है ना, हरियाणा करंट अफेयर, कंप्यूटर और साइंस, ठीक है, तो इन तीन सब्जेक्ट पे ही रखने का कोशिश करूंगा मैं। तो तीनों को रखा, टाइम क्या रखें, 23 तारीख को हम लोग, ठीक है ना, टाइम नियर अबाउट हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे राती 9:15 बजे, ठीक है ना, 9 9:15 बजे के आसपास, 9:15 ही कर देते हैं, ठीक है ना, फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, 9:15 बजे ये स्टार्ट कर देंगे। अरे भैया अब साइंस है तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री के भी सवाल आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अलग से कुछ होगा, इसमें ही कर दूंगा इंक्लूड, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और उसके बाद में तुम दांत क्यों निकाल रहे हो यार, अच्छा 9:15 बजे से लेके, और कब तक चलेगी जी, ये चलेगी प्रभु इच्छा तक, ठीक है ना, प्रभु इच्छा तक, ठीक है ना, प्रभु इच्छा तक। अब प्रभु इच्छा कब तक होगी आपको पता है, मेरी प्रभु इच्छा 12 घंटे तो हो ही सकती है, ठीक है ना, डन 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 डन। चलो जी, टेंशन ना लेना, जो चीजें पूछी जा रही है सारी उखाड़ के रख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तारीख फिक्स है, इस क्लास के जस्ट बाद में मैं क्लास को कर दूंगा, आईपीसी सीआरपीसी के लिए एक टीचर को और है उनको कह दूंगा मैं, वो करवा देंगे, ठीक है। अमित राणा, अमित रतिया, ओल्ड ट्रेन, अच्छी बात है भैया, ठीक है। चलो जी, तो अभी इतनी बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये क्लास फिक्स है आप सभी के लिए, हरियाणा एसआई की जो तैयारी कर रहा है। एक बात बीच में और कर देता हूँ, जो हिसार से है और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है मुझसे बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लेने वाला आपके लिए मैं, ठीक है ना। आप लोग मुझसे कल से 21 से लेके 25 तक, दोपहर 2:30 से लेके 4:30 बजे तक पढ़ने आ सकते हैं डियर, ठीक है ना, हिसार करियर पावर में मुझसे पढ़ने आ सकते हैं। मेरा नाम ले लेना कि सुनील सर के क्लास लेनी है मुझे, हॉल नंबर 10 में आके बैठ जाना चुपचाप, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई रोकेगा तो उसका आप पुंजड़ पाड़ लेंगे, वैसे पुंजड़ होता नहीं है पर फिर भी आप उसका पढ़ लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। वैसे आ जाना, आपको मेरी साइड से बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री तुम्हें दे रहा हूं तो मैनेजमेंट से पैसा ले रहा हूं, ना मैं मैनेजमेंट से भी पैसा नहीं ले रहा हूं, किसी से पैसा नहीं ले रहा, केवल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। ताकि हो सकता है इसके पीछे कारण मेरा इतना है कि कोई बच्चे का मेरी वजह से अगर भला हो जाए तो अच्छी बात ही है यार, जिंदगी भर याद रखेगा वो, सैलरी दे देगा क्या पता कभी। चलो अगला सवाल पढ़े हम लोग, ठीक है। तो द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, तो इस एजेंसी का नाम है डियर अरप्पा नेट, अब बोलना नहीं है अब पढ़ना है, ठीक है, बहुत बातें कर ली हमने, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, अरप्पा नेट, अरप्पा मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, 1969 में ही आया था। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे एक एनएसएफ भी दिख रहा है, एनएसएफ क्या होता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन होता है आपका, ठीक है ना। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क बता देते तो चल जाती बात, तो सुनिएगा क्या फर्क है। अरप्पा नेट आया था डियर 1969 में, यानी कि 1969 में, एनएसएफ नेट आया था कब, 1970 के अंदर आया था। इन दोनों में अलग अलग फर्क क्या था, ये बनाया था यूएस आर्मी ने बनाया था, ठीक है ना, और ये बनाया किसने था सर जी, ये एक्चुअली एक एजेंसी ने बनाया था, इसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन एजेंसी।
अब इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था कि ये तो ऊपर वाला तो केवल डिफेंस के लिए था और ये एनएसएफ नेट था केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था। इन दोनों को बाद में मर्ज कर दिया गया था 1970 के अंदर ही, ठीक है ना, और बाद में हम लोग आज इंटरनेट का प्रयोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का सही तरीका तुमसे पूछा कि ईमेल एड्रेस का सही तरीका बताइएगा कौन सा है। तो ईमेल एड्रेस जो लिखने का सही तरीका आपका होता है वो कौन सा है। देखो डबल एट द रेट तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं बनता है, डबल एट द रेट नहीं हो सकता है डियर, ठीक है डियर। अरे भैया टाइम बता दिया है, दोपहर 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक है, ठीक है, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है, ठीक है। तो अच्छा ये तो हो गया आपका। अब ये क्या है, नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो है, ये है, ये क्या है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऐसा सही है। कोई आपका नेम लिखना है और वेबसाइट और इन, वेबसाइट मतलब जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी है, इन्फो मतलब डॉट कॉम वगैरह है, तो ये ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट होता है। बहुत अच्छा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, आसानी से आप याद कर सकते हो। HTML is used to create, देखो ये सवाल सारे हरियाणा कांस्टेबल के पेपर से रिलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। HTML किस लिए इस्तेमाल करते हैं, HTML वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है, और इंटरनेट के जो वेब पेजेज होते हैं उनको आप लोग बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल किया करते हैं। अगला सवाल, द कंप्यूटर जार्गॉन, कंप्यूटर के अंदर एक 4 W आ गए भैया, आपने 3 W बहुत बार सुना है लेकिन 4 W आ गए तो क्या करेंगे गुरुजी, बहुत आसान है भैया, वर्ल्ड वाइड वेब तो आएगा ही आएगा, पीछे वार्म और लगा दो, गर्मी और ला दो उसके अंदर, यू समझ लो आप लोग एक प्रकार से, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत आसान सवाल था ये भी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज कॉल्ड, देखो क्या पूछा है इन्होंने, थोड़ा आसान से जवाब देना। देखो कहा इन्होंने कि इंटरनेट से कोई फाइल आपके कंप्यूटर में ले आना, इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल को ले आना उसको आप लोग डाउनलोडिंग कहा करते हो, और कंप्यूटर से इंटरनेट पे ले जाना उसको आप अपलोड कहा करते हो, और अपलोड और डाउनलोड दोनों किस में आते हैं, दोनों आपके FTP में आते हैं। FTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस बात ही खत्म हुई, FTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आप लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं, इन दोनों में अपलोड और आपका डाउनलोड आता है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP का मतलब पूछा है तुमसे, बहुत आसान है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, IP एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का। इसमें भी IP के दो टुकड़े होते हैं, दो टुकड़ों में एक क्या होता है, एक होता है जी IPv4 होता है, और एक क्या होता है जी IPv6 होता है। IPv4 जो है वो तो 32 बिट का ही होता है, लेकिन IPv6 होता है 128 बिट का होता है। ये दोनों आप लोगों को पक्का पक्का याद रहना चाहिए, आसानी से याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। वेबसाइट फ्रंट पेज या मेन पेज, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज है, फ्रंट पेज है, उसको क्या कहते हो आप लोग, भैया उसको आप होम पेज कहा करते हो। होम पेज क्या होता है, पहला पेज तो होता है ना, होम पेज होता है कोई भी वेबसाइट का पहला पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज को ही आप लोग होम पेज के नाम से पुकारा करते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा कई सारे पेज है गुरुजी, मुझे बता दो सारे, जैसे आप ब्राउजर पेज बताओ, ब्राउज पेज बताओ, ब्राउज पेज जिसको आपने सर्च कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, वही तो ब्राउज पेज ही है आपका, है ना। सर्च पेज तो कुछ अलग से है नहीं जिसको सर्च कर रहे हो, बुकमार्क एक थोड़ा सा ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई पेज आप लोग चला रहे हो, ठीक है ना, और पेज चला रहे हो ठीक बात है, लेकिन आपको वेबसाइट पसंद आ जाती है, और वेबसाइट पसंद आती है आप चाहते हो यार ये वेबसाइट का एड्रेस याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं एक काम करता हूं उसको बुकमार्क कर देता हूं। बुकमार्क करने का मतलब है कि आप उसे जब चाहोगे तब उसको ओपन कर लोगे, ये आपका एक पेज परमानेंट जो है ना वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, यही बुकमार्क पेज होता है आपका, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। Which one of the following is not a search engine? इनमें से सर्च इंजन पूछा है कि कौन सा नहीं है, सर्च इंजन नहीं है पूछा तुमसे। Bing, Bing एक सर्च इंजन है, बिल्कुल सर्च इंजन है, ये किसका डियर, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, आपकी जब विंडो के साथ में आपका एज ब्राउजर है उसमें सर्च इंजन ऑफिशियली आपको Bing ही मिलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये याद कर लेना डियर, ठीक है ना। अच्छा जी उसके बाद में
चलो बेटा ब्लॉक कर देते हैं आपको अब। पता लगा तुम्हें किसे ब्लॉक किया मैंने और क्यों ब्लॉक किया है? बताना दिखा क्यों ब्लॉक किया है और किसे किया है। ठीक है, तो बिंग के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है ना? तो बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हो गया। अच्छा जी, गूगल के बारे में बात करो, गूगल तो है ही भैया सर्च इंजन खुद ही, ठीक है ना? दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन हो गया ये तो, ठीक है ना? अच्छा, याहू, याहू भी सर्च इंजन है। विंडोज एक सर्च इंजन जो है ना वो नहीं है, विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है ना? इसको आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा, ठीक है? एक ने कहा था सर ये इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं, ठीक है ना? इतने इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे तो ये मत करवाओ। तो उनको इजी लग रहे थे पेपर में आने ही वाले, नहीं तो उन बेचारे का टाइम खराब हो रहा था, करके मैंने ना हटा दिया उन्हें, ठीक है? तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना तुम्हें, ये सारे क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं, और भाई साहब कह रहे हैं पेपर में आएंगे नहीं क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम, बहुत भोले रह गए बेचारे, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, जो लॉगिन नेम यो पासवर्ड होता है, तो इन दोनों को जो है ना हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को हम क्या कहने वाले, जैसे एग्जांपल से आपसे पूछा है क्या लॉगिन नेम, ठीक है ना? एक आपसे पूछा है लॉगिन नेम पूछा है, ठीक है ना? और एक आपसे पूछा है पासवर्ड पूछा है। आप कभी देखना किसी के घर जाना या आप कहीं पर भी जाओगे तो पासवर्ड पूछ लेते हो उसे वाईफाई का, और जैसे ही जो है ना आप पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में क्या आता है, थोड़ी देर के बाद में आता है वो लिखा आता है ऑथेंटिकेटिंग, और फिर बाद में लिखा आता है ऑथेंटिकेटेड लिखा जाता है। इसका मतलब है कि आपको पहचाना जा रहा है, उसके लिए सी वाला ऑप्शन जो है ठीक रहेगा। इसको पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना। समझ लिया है आपने? बिल्कुल समझ लिया होगा। क्या कहा है सर ने कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है क्या, किसी को पहचानना कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आप सही है या गलत है, ये प्रोसेस होती है यहां पे। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि सही और गलत को पहचानना, ठीक है ना? तो सही जो है उसको पहचानने के लिए आप लोग ऑथेंटिकेशन का प्रयोग किया करते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना? समझ गए हैं आप लोग, बहुत अच्छी सी बात है, समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलो जी, अगला सवाल हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस में आता है ये तो कंपाइल, आपका किस में आता है, ब्राउजर में आता है, ब्राउजर होता है, और इसको बंद कर दिया अभी रिसेंटली मैंने बताया था। एक्चुअली आज का पूरा टॉपिक इंटरनेट से रिलेटेड ही मैंने उठाया है, ठीक है ना? तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है? HTML पूछा तुमसे, ये तो भी रिसेंट कांस्टेबल के पेपर में था ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, आज कोई मैं मिक्स क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं कंप्यूटर के, आज केवल एक इंटरनेट टॉपिक है उसी पे ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग, बात ये कर रहे हैं कि मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना क्या कहलाएगा? डाउनलोड तो नहीं कहलाएगा जी, डाउनलोड तो नहीं है, डाउनलोड और अपलोड तो मैंने अलग अलग बताए थे तुम्हें, ब्राउजिंग हो सकता है सही आंसर है, अपलोडिंग नहीं है, अटैचमेंट भी यहां पे नहीं रहेगा, तो सही आंसर क्या रहेगा आपका यहां पे, ब्राउजिंग रहेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, ब्राउजिंग करना ही एक जगह से दूसरी जगह कहलाना होगा। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, एक कंप्यूटर है और वो इंटरनेट पे है, ठीक है ना? तो इंटरनेट जो है, अगर हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट की, अगर बात करेंगे हम लोग, तो इंटरनेट किससे जुड़ेगा, वो आईपी एड्रेस ही तो होगा उसके अंदर आपका, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ही तो उसके अंदर होगा, और तो क्या होगा आपका, है ना? तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ईमेल एड्रेस नहीं है जी, स्ट्रीट गली का एड्रेस तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो सी ऑप्शन सही है। अच्छा भैया, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, अच्छा ये ऑप्शन तो छुप गए, ठीक है ना? इंटरनेट के प्रोटोकॉल पूछा है तुम कौन सा होता है, तो आपको मैं जवाब यहां पे लिख देता हूं, TCP/IP। TCP/IP जो है ना ये प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का, ठीक है ना? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी को ही बोलते हो, TCP/IP को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जाना करते हो इसे आप लोग। ए शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग अथोराइज्ड यूजर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सारा डेटा जो है ना अथोराइज्ड यूजर के माध्यम से शेयर होता है,
देखो क्या है, नेटवर्क शेयर करता है और तो कौन कर सकता है, और तो किसी के बस का है ही नहीं। नेटवर्क शेयर कर सकता है सारा डेटा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से मेरा कंप्यूटर यहां पड़ा पड़ा आप चला सकते हो, आपका कंप्यूटर आपके घर बैठे बैठे मैं चला सकता हूं, आपका मोबाइल घर बैठे मैं यहां से यूज कर सकता हूं, मेरी जगह से आप लोग भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और डीएनएस नहीं हो सकता है आपका, सीपीयू नहीं है, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है आपका, आईपी नहीं हो सकता है आपका, ठीक है ना। इसका सही आंसर नेटवर्क रहेगा। इंटरनेट क्या है, फिर से एक सवाल तुमसे पूछा है, इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट क्या होता है, वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। देखो ऑप्शंस अलग है इस बार, इसको भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना है। वास्ट कलेक्शन मतलब बहुत बड़ा इलाके का नेटवर्क है, उसको आप इंटरनेट कहते हो, ठीक है। टू ज्वाइन इंटरनेट, इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए, जुड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए आईएसपी चाहिए, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, भैया कंपनी तो चाहिए ना कोई इंटरनेट से जुड़ने के लिए, और तो क्या चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क, उसको क्या कहते हो, ये बहुत आसान सवाल था, बी ऑप्शन है, डीएसएल इसको कहा करते हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से इसे जानते हो आप लोग। आप लोगों ने बीएसएनएल एक्सचेंज से एक केबल लेके आए हो, और उस केबल के माध्यम से अगर आप इंटरनेट चला रहे हो, और उसमें एक आपके कॉपर वायर है या कॉपर वायर के अंदर आप लोग जो ना अपना डिजिटल डेटा लेके जा रहे हो, वो आपका डीएसएल होता है, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से हम लोग जाना करते हैं। डाउनलोड अपलोड में डिफरेंस ये है कि डाउनलोड का मतलब कि इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना, अपलोड मतलब कंप्यूटर से इंटरनेट में डेटा ले जाना, ये आपका होता है डाउनलोड अपलोड, और दोनों चलते हैं एफटीपी से, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। इसको भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है, समझ गए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये वाले सवाल सारे रिपीट है, मैंने सारे करवा दिए हैं ये, ठीक है ना। चलो जी, अब आप लोग करिएगा इस सवाल को करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 122वां है, और ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है डियर किससे, साइंस से रिलेट करता है, ठीक है ना। इसको आप लोग बताइएगा और मुझे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल हो सकता है वैसे आपके लिए, ठीक है, कि निम्न तत्वों में सबसे कम गलनांक किसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उसको हम लोग जो है ना क्या कहने वाले हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी आपका, ठीक है। तो इसको समझ गए आप लोग, सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक, देखो जितने भी आपके आपके मटेरियल होते हैं, कौन से मटेरियल जो कि आपके नोबल गैसेस के अंदर आते हैं, ग्रुप 18 में जो भी आते हैं उनको आप नोबल गैस कहा करते हो, ग्रुप 18 कहा करते हो, और ग्रुप 18 जो होता है ना आपका उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो सारे ही लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, उनको आप ऑर्गन कहने वाले हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक डेटाबेस मैनेजमेंट की स्पेशल क्लास लूंगा जल्द ही, टेंशन ना लो, इस एसआई के पेपर से आपको पहले मिल जाएगी एमसीक्यू थ्योरी दोनों की। आज इंटरनेट के क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे ही आपको डेटाबेस के क्वेश्चन भी अलग से करवा दूंगा, चिंता ना करना, ठीक है ना। ऑर्गन आ गया, अच्छा नोबल गैस कौन कौन सी होती है गुरुजी, वो भी बता देते सारी तो मजा आ जाता, चलो बता देते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, बिल्कुल है सर जी। नियॉन एक नोबल गैस है, बिल्कुल है सर जी। ऑर्गन एक नोबल गैस है, बिल्कुल है। अच्छा जिनॉन एक नोबल गैस है, बिल्कुल है। क्रिप्टॉन एक है, बिल्कुल है, ठीक है ना। क्रिप्टॉन उसके बाद जिनॉन आता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक रेडॉन भी होती है, तो ये सारी नोबल गैसेस होती है, इनको ग्रुप 18 कहा करते हो आप लोग, इनको आप लोग जीरो ग्रुप के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना। इनको आप जीरो ग्रुप कहते हो, ग्रुप 18 कहते हो, इन्हें आप नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी कहा करते हो, यही आपके नोबल एलिमेंट होते हैं, और इनका गलनांक लगभग सभी का कम ही होता है, इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग जाता हूं, क्या रहने वाला है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला तुमसे पूछा है यहां से, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका AlCl3, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा सी वाला ऑप्शन, ठीक रहेगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। चलो अगला सवाल आपका क्या रहेगा कि ओजोन इज रिप्रेजेंटेड एज, बहुत आसान है, तो ओजोन O3। अभी रिसेंटली आपने 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया था, 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाते हैं हम लोग, याद रखना। अच्छा जी, ओजोन हमारा, ओजोन लेयर बनती कैसे है, ओजोन लेयर बनती है यूवी रेज के माध्यम से बनती है, याद रखना, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से बनती है। जितनी यूवी रेज आती रहती है, सोलर एनर्जी आती रहती है, उतनी ओजोन लेयर क्रिएट होती रहती है, होती रहती है।
अल्ट्रा वायलेट रेज अगर जमीन पे आए तो हमें क्या हो जाएगा, तो हमें स्किन कैंसर होगा। एक पेपर ने पूछा कौन सी से होगा, यूवी ए से होगा, यूवी बी से होगा या यूवी सी से होगा, तीन टाइप के हैं, तो इन तीनों में बताओ किससे होगा। तो देखो यूवी ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, तीनों ही से ही हो सकता है। लेकिन सुनो, ए से हो सकता है स्किन पे कैंसर, बी इससे ज्यादा खतरनाक है, इसको स्किन बर्निंग रे कहते हैं, त्वचा को झुलसा देने वाली रे कहते हैं, सी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन गनीमत है, भगवान ने सी आपके एटमॉस्फेयर में दी ही नहीं है, तो सी तो यहां से स्किप हो गई है। ए और बी बचा है आपका। ए जो आपकी लेयर है, ए जो है ना, इसका मतलब क्या है, ये स्किन अभी दोनों में से अगर पूछता तो कौन सा लगाते, बी लगाते आप लोग, क्यों, क्योंकि सर 5 रुपए है, ये 10 रुपए, बड़ा कौन सा है, बड़ा 10 रुपए है, आपका बात खत्म होगी, है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है। तो स्किन कैंसर आपकी यूवी। अच्छा, डीआरडीओ ने ना यूवी रेज का इस्तेमाल किया था, डीआरडीओ ने, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ ने यूवी रेज का इस्तेमाल करके सैनिटाइजर्स बनाए हैं, जैसे रूम सैनिटाइजर बनाया है, ड्रेस को सैनिटाइज करने वाले इक्विपमेंट बनाए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां से याद कर लेना है डियर, अच्छे से जो आप लोगों को काम करना है यहां पे, ठीक है ना। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि अल्कलीन वर अर्लियर नॉन एज, अल्कलीन पहले किस रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। अल्कलीन के बारे में हमसे पूछा है, तो इनको आप लोग पहले जानते थे ओलेफाइंस के नाम से जाने जाते थे, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा यहाँ पे। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के अंदर साबुन, साबुन जो है ना, सोप इज ए सॉल्ट ऑफ, साबुन जो है ना किसका सॉल्ट माना जाता है, साबुन एक फैटी एसिड का माना जाता है, ये बात आप लोग याद रखना। वैसे आप बायोलॉजी में भी अपनी बॉडी में भी फैटी एसिड को पढ़ा करते हो, कहाँ पे फैट को फैटी एसिड और फिर उसके बाद में ग्लिसरॉन उसके अंदर तोड़ते हैं हम लोग, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड एस्प्रिन, एस्प्रिन को किसने इन्वेंट किया है। मैं आपको बता देता हूं कि एस्प्रिन जो एक ऐसी दवाई है जिससे हमारे वल्चर्स यानी कि गिद्ध जो है ना वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर लोग जो है ना एस्प्रिन को, या यूं कहिएगा गवर्नमेंट की तरफ से एस्प्रिन का सब्स्टिट्यूट के लिए कहा गया है, क्योंकि इस दवाई से धीरे धीरे जितने भी आपके बर्ड्स हैं स्पेशली जो है उसकी किडनी खराब हो रही है और वो खत्म होता जा रहा है, अगर वो खत्म हो गया तो नेचर प्यूरिफायर भला कौन होगा। तो हु इन्वेंटेड एस्प्रिन, एस्प्रिन को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम था फेलिक्स हॉफमैन, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट जो है उसका केमिकल फॉर्मूला तुमसे पूछा है, इसका केमिकल फॉर्मूला NH4 तो देखो लगेगा, अमोनिया आ गया तो NH4 तो लगेगा, आगे क्या है, आगे है आपका 2C2O4, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहां पे हमारा ठीक ठीक दिख रहा है हमें, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। बेंजीन इज एन इथाइल एल्कोहल, बेंजीन जो है वो इथाइल एल्कोहल में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल है याद रखिएगा, ठीक है ना, इनसोल्यूबल है, मतलब बेंजीन इथाइल एल्कोहल में नहीं घुलती है, नहीं मिल पाती है, इनसोल्यूबल उसी को ही हम लोग कहने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन से आपका जो एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो बहुत कम वाला आपको पता ही है, मैंने कहा था अभी नोबल एलिमेंट होगा, नोबल एलिमेंट ढूंढो इसमें से कौन सा, क्रिप्टॉन एक नोबल एलिमेंट है। अच्छा, क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करते हो एयरपोर्ट की जो रनवे की लाइट होती है ना, जिनको कैटू लाइटें कहते हैं, हिसार एयरपोर्ट पे 20 करोड़ की कैटू लाइटें लगाई गई है जिसमें नाइट लैंडिंग दिखाई दे सके, लाइट ये फ्लिकर कम करती है, तो क्रिप्टॉन गैस का जर्नली वैसी वाली लाइट बनाने में किया करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द मैग्नीशियम, द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है, इसका साधारण नाम है एप्सोम साल्ट, ठीक है ना, एप्सोम साल्ट इसका साधारण नाम है, इसको भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है जी। नेक्स्ट सवाल क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग और क्या कहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग और किस नाम से पुकारा करते हैं डियर, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे।
केमिकल वाटर का केमिकल फॉर्मूला आसान है, H2O सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। अगला सवाल है कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा होती है डियर फॉस्फोरस की, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में एक व्हाइट फॉस्फोरस होता है जिसको आप लोग ठंडे पानी में रखते हो, वरना वो खुले में आग पकड़ सकता है। और एक आपका होता है लाल फॉस्फोरस जिसको आप लोग माचिस की तिल्ली बनाने में जो इस्तेमाल किया करते हो, ये भी बात आप लोग यहां से याद रखना। अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, ये NH4 2SO4 होता है, ठीक है। निम्न तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है, तो भैया इसमें भी आप लोग नोबल एलिमेंट ढूंढिएगा, सबसे कम गलनांक पूछा तो हीलियम ही रहेगा इनमें। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा पूछता तो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 के आसपास, वैसे 3420 डिग्री सेल्सियस होता है, आप राउंड फिगर करके याद करो तो 3.5 कर लो चाहे 3 कर लो आप याद करने के लिए। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत है, 5555 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, ये आपको टंगस्टन बता रहा हूं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हु डिस्कवर्ड फ्लूरीन, जो फ्लूरीन है कार्बन का एक टाइप का एलोट्रोप कहलाता है ये, इसका डिस्कवरी किसने किया था, इसका डिस्कवरी किया था रिचर्ड स्मैली ने, ठीक है ना, रिचर्ड स्मैली ने फ्लूरीन का जो है ना डिस्कवरी किया था, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। Which of the following element has the lowest melting point? अरे भैया बहुत ईजी है, इनमें से कम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है तो हाइड्रोजन का होगा इनमें से, तो कार्बन सोडियम और टीन का तो नहीं है, हाइड्रोजन का होगा जो एक नंबर पे आता है। दुनिया में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, नोबल में सबसे हल्की हीलियम है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इस करके हम लोग गुब्बारों में हीलियम को भरने लग गए हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में 1-2 ड्यूटेरियम जिसको आप D2O बोलते हो, भारी पानी कहते हो, और तीसरा जो T वाला ड्यूटेरियम होता है उसके अंदर से बीटा रेज निकलती है जिसको आप लोग बीटा नेगेटिव, रेडियो एक्टिव बीटा नेगेटिव एक यूनिट वाली रेज निकलती है, इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, इसको समझ गए हैं आप लोगों को। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, अरे भैया कितनी बार पूछोगे, अमोनियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला है, बहुत इजी है, NH4Cl2 होता है सबको, सॉरी Cl होता है, NH4Cl, ठीक है ना, ये अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। निम्न तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है, सबसे गलनांक कम पूछा है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से कम है वो नाइट्रोजन का होगा। देखो आयरन का तो नहीं है, आयोडीन का भी नहीं है, सीसे का तो हो ही कैसे सकता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, नाइट्रोजन जो है ना इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो मैंने अभी बताया था, टंगस्टन इसका सही आंसर है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होल्ड द एटम टुगेदर विद इन अ वॉटर मॉलिक्यूल, आपके पानी के अंदर जो है ना वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मैं इसको टैग दूंगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कोवलेंट बॉन्ड लगा के आते हैं, आंसर इसका पोलर कोवलेंट होता है, याद रखिएगा, खाली कोवलेंट नहीं पोलर कोवलेंट, यहां हालांकि इन्होंने अकेला कोवलेंट नहीं दे रखा था लेकिन फिर भी कई ऑप्शंस में दिया होता है, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, पोलर कोवलेंट रहेगा। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप कमेंट नहीं देखते, तो मैं कमेंट देखने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ाने आया हूँ, तो जो पढ़ा रहा हूँ शायद आई थिंक मैं कर रहा हूँ वो काम ठीक कर रहा हूँ, क्यों कहते हो, क्या कहते हो, बोलो भाई नौजवानों, सही लिख कर रहा हूँ ना, जो कर रहा हूँ काम ठीक कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, है ना, कमेंट किसी से दिखवाने या पढ़ने तो बात ही अलग होगी। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन से अधिक है, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नियॉन, तो नियॉन से ज्यादा किसकी है बताइएगा, तो नियॉन से ज्यादा इनमें से मैग्नीशियम की है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े मेमोरी बेस बन जाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन जब भी ग्रीन हाउस पेपर में आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस ओजोन परत को समाप्त कर सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा जो है ना आपका जो ग्रीन हाउस है जो ओजोन परत को समाप्त कर, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर,
इनमें से कौन सा होगा आपका जो डिप्लीट कर सकते। देखो O3 तो क्या है, O3 तो खुद ही ओजोन हो गया आपका, ठीक है ना। नियॉन तो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो C6H14 ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन का एक हिस्से में से हो सकता है, तो ये मे भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छे से अगर आपको करना हो तो आपको पूछा जाए तो फ्रियोन कहना होगा आंसर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है ना। उसका एक पार्ट में से आप लोग आंसर दे रहे हो ये, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला, अरे भैया ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी, NH3 इसका सही आंसर रहेगा, क्या दिक्कत है इसके अंदर, है ना। अगला सवाल तुमसे पूछा है कि किसका गलनांक सबसे कम है, ठीक है ना। फिर से आपसे पूछा इनमें से ऑक्सीजन का होगा, गैस आ गई आपका, ठीक है ना। 148वां, 150 क्वेश्चन तक रख लेता हूं मैं, फिर मेरा टाइम हो गया, मेरी अनअकैडमी पे क्लास है डियर, ठीक है ना, अभी तो 11:15 बजे, तो इस करके बाकी क्लास में फिर कल पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अगला पूछा है तुमसे क्या पेंटेलेंडेडाइट एक अयस्क है, ये किसका एक आपका अयस्क है, तो एक निकल का है, जहां से आपका जो है ना वो निकल प्राप्त होता है। अयस्क का मतलब जैसे यूरेनियम का पिंच ब्लेड होता है, ठीक है ना, तो ये याद करना आप लोग। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड का केमिकल फॉर्मूला पूछा, इसका होता है AIN, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका आंसर हमारा रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो ओजोन परत को समाप्त कर सकती है, इनमें से पूछा है, तो इनमें से भी CCIF3 है, यह भी उसका एक पार्ट है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा हमारा, ठीक है बच्चा। तो इतना ही सेशन आज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा क्या बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही दो आप लोग, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल एक क्लास और होगी छोटी सी, और परसों तो पूरी लंबी क्लास होगी, आपको पूरा मजा आएगा, ठीक है ना। अनअकैडमी पे NCERT पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, जनरली NCERT पे फोकस रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी डियर।